rating of a PACE classes. Thus, overall rating of a PACE classes is 3.5 thumbs out of 5. But due to they are associated with a tribal development department in which they provide the welfare of the scheduled caste tribe student of the Maharashtra, we add more 0.5 thumbs. Thus, we'll give the 4 thumbs out of 5 to the PACE classes. I will invite my colleague for next IIT coaching video. Thank you so much. Hello everyone. Welcome back to our official YouTube channel reviewatta.com. I'm Suman, Mishra and back again with a new series of IIT coachings. आज इस कोचिंग की बात करेंगे वो है वाइब्रेंट एकेडमी जो कि कोटा राजस्थान में है और ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 2010 बाय 7 एक्स मेंबर्स ऑफ बंसल क्लासेस. तो आज एक एक पॉइंट लेकर के हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में, जिसमें होगा फैकल्टी, फैसिलिटीज, स्टूडेंट डाइवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस, ये सारे हम बारी बारी से एक पॉइंट्स लेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा पॉइंट है फैकल्टी का. अगर फैकल्टी प्रोफाइल की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनका जो बैकग्राउंड है या मोस्टली जो फैकल्टीज हैं वो एक्स बंसल क्लासेस के हैं या फिर एनआईटीज या फिर बिट से फैकल्टीज हैं यहाँ पे. अगर मैं स्टूडेंट फैकल्टी प्रोफाइल की बात करती हूँ तो वो है 1:100, यानी 100 स्टूडेंट हैं जिन पे की 1 फैकल्टी आपको यहाँ पे अवेलेबल है. नेक्स्ट हमारा है टीचिंग स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, तो ये है 60%. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट सेशन लेना हो या कोई भी ऐसे 1-to-1 सेशन लेना हो या एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है तो क्या ऐसी फैसिलिटीज वाइब्रेंट एकेडमी में अवेलेबल है या नहीं, तो यस, यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है. तो जो भी मैंने फैकल्टीज वाले पैरामीटर में जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उसके बेसिस पे रिव्यू अड्डा की टीम ने इसे दिए हैं 3.5 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स. नेक्स्ट जो हमारा है वो पॉइंट है स्टूडेंट डाइवर्सिटी का. तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ से स्टूडेंट मोस्टली आते हैं एडमिशन के लिए. तो जो लोकेशन है वो मेनली है जहाँ से स्टूडेंट आते हैं वो राजस्थान, यूपी, एमपी एंड दिल्ली. यानी अदर स्टेट से भी स्टूडेंट हैं पर मोस्टली जो इन स्टेट्स का नाम मैंने लिया है यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं. अगर मैं एलुमनाई की बात करती हूँ तो 30,000 प्लस जो इनके नंबर्स हैं. मेल फीमेल रेशियो यहाँ पे 75:25 है. और अगर स्टूडेंट प्रोफाइल की बात करते हैं कि किस बोर्ड से स्टूडेंट यहाँ पर मोस्टली आते हैं एडमिशन के लिए, तो वो है या तो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं या फिर सीबीएसई या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका 80% से प्लस जो है मार्क्स हो. तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी के पॉइंट के बेसिस पे रिव्यू अड्डा की टीम ने इसे दिए हैं 2.5 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटीज का. तो जान लेते हैं कि वाइब्रेंट एकेडमी में स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. तो पहला पॉइंट है हमारा डेमो क्लासेस का. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे डेमो क्लासेस अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे डेमो क्लासेस अवेलेबल नहीं है. क्लासरूम देख लेते हैं कि क्लासरूम यहाँ पे कैसे हैं. तो यहाँ पे जो भी क्लासरूम्स हैं या जितने भी क्लासरूम्स हैं ये सारे एयर कंडीशन है यानी एसी रूम्स हैं. कैफेटेरिया यहाँ पे अवेलेबल है. अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. लाइब्रेरी भी अवेलेबल है. इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर एंड प्रैक्टिकल लैब्स भी अवेलेबल है. अगर जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग जो है अवेलेबल है कि नहीं, तो कोई भी स्टूडेंट जो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं वो चाहे तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं. यानी डिस्टेंस लर्निंग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है. अगर बताना चाहूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में यहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसमें है मोटिवेशनल सेशंस जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. इसके अलावा इनका फन डे होता है जिसमें आर्ट एक्टिविटीज कराई जाती हैं. तो फैसिलिटीज के बेसिस पे हमारे रिव्यू अड्डा की टीम ने इसे दिए हैं 2.5 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिलेक्शन का. तो जान लेते हैं कि यहाँ पे यानी वाइब्रेंट एकेडमी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और इसके लिए क्या करना होता है. पहला है हमारा सिलेक्शन रेशियो. तो बताऊं कि लास्ट 3 इयर्स में यहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं यानी जो सिलेक्ट हुए हैं उनका रेशियो है 46%. किस टाइप के कॉलेजेस में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो कॉलेजेस हैं लाइक आईआईटी, बीआईटीएस, एनआईटी या स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं. इसके अलावा वीआईटी के. अगर फेमस एलुमनाई की बात करते हैं टॉपर्स की, तो यहाँ से साहिल जो 2018 में इनका ऑल इंडिया रैंक था 2, सूरज जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 था 2017 में, मीनल ऑल इंडिया रैंक इनका 6 था 2018 में. ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के टॉपर्स हैं. अगर कॉलेज फैकल्टी परसेप्शन वैल्यू अबाउट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उसे ग्रेड मिला है ए. तो यानी कि सिलेक्शन के बेसिस पे यानी जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं सिलेक्शन पॉइंट पे उसके बेसिस पे रिव्यू अड्डा की टीम ने इसे दिए हैं 4 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशंस का. तो देख लेते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है. तो अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू भी है और इसके अलावा आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं.
पर ये वैरी करता है कि आप किस कोर्स के लिए एडमिशन दे रहे हैं, उसी के बेसिस पर डायरेक्ट या फिर एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है वाइब्रेंट एकेडमी में एडमिशन लेने का, तो वो है क्लास 10 मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फी की, तो यहाँ पे जो इनकी 1 ईयर की फी है वो है 1,55,000, जिसमें कि मेंस एंड एडवांस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कराई जाती है। हॉस्टल फी, तो हॉस्टल फी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, तो इसमें स्पार्क है जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट तक के लिए है, वी सेट है जो है वाइब्रेंट स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट, या फिर कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट जो कि मेरिट बेस्ड हुए यानी जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हों उसके बेसिस पर भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है। इसके अलावा NTSC, KVPY, या फिर अगर आपके कोई भी भाई बहन यानी पहले से ही वहाँ पे एडमिशन ले रखा है वाइब्रेंट अकेडमी में, तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम स्कॉलरशिप वाइब्रेंट अकेडमी में है वो है 90%। अगर अदर इंस्टीट्यूट प्रिफर्ड बाय पेरेंट्स की बात करते हैं तो इसके अलावा जो प्रेफरेंस देते हैं पेरेंट्स इंस्टीट्यूट्स को वो है बंसर क्लासेस, मोशन, न्यूक्लियस एंड करियर पॉइंट। टोटल जो इनका इंडेक्स है वो है 3000+, और अगर ड्रॉपआउट रेशियो की बात करते हैं तो वो है 5% जो कि नेग्लिजिबल है। तो एडमिशन के पॉइंट के बेसिस पे हमारे रिव्यू टाइप की टीम ने दी है 3.5 टर्म्स आउट ऑफ 5 टर्म्स। So this is all about Vibrant Academy Kota Rajasthan. In our next video, I'll be back with overall ratings and reviews of Vibrant Academy. So keep watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.